वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रोहिणी वंस अगेन आज आपके लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग वीडियो लेके आई हूँ। और आज का वीडियो जो होने वाला है वो होने वाला है अमेजॉन ज्वेलरी हॉल। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही सुंदर सुंदर ज्वेलरी, बिकॉज अभी आने वाला है फेस्टिव सीजन। तो फेस्टिव सीजन में हमें बहुत सारे कपड़ों की तो जरूरत होती ही है, साथ ही में उसको एक्सेसराइज करने के लिए ज्वेलरी की भी जरूरत पड़ती है। तो उसी के लिए आज मैं ट्रेडिशनल ज्वेलरी आपके लिए लेके आई हूँ। और उसमें से बहुत सारी ऐसी ज्वेलरीज हैं जो आप साड़ी कुर्तीज एंड बहुत सारी चीजों के साथ पहन सकते हो एंड इसको स्टाइल भी कर सकते हो अलग अलग तरीकों से। इसमें ट्रेडिशनल ज्वेलरी आज ज्यादा होगी बिकॉज अभी जैसे फेस्टिवल सीजन है, इसमें हम लोग को इस तरीके की ज्वेलरी ज्यादा पसंद आती है और यही ज्यादा अच्छी लगती है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, ये जो फर्स्ट ज्वेलरी है ये है जावेरी पर्ल से। एंड यहाँ पे मैंने लिया है एक झुमका, एक्चुअली ये गोल्डन झुमका मैंने लिया है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि ये मुझे थोड़ा सा डिफेक्टिव आया है, तो मैंने इसको रिटर्न या रिप्लेस में डाल दिया है, तो मुझे रिप्लेसमेंट इसकी मिल जाएगी। तो इसका जो एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुआ है कि इसका जो नीचे का जो झुमका है एक पार्ट का मुझे टूटा हुआ मिला है। तो जैसे आप देख सकते हैं ये वाला जो झुमका है इसका मैंने इसको निकाला ही नहीं इस वजह से। तो ये देखिए इस तरीके का ये झुमका आपको मिल रहा है यहाँ पे, बट इसका जो है ये झुमका इसका निकल चुका है, इसका मुझे टूटा हुआ मिला है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको यही दिखा रही हूँ, आई डोंट नो, मतलब जैसे मैंने रखे हुए थे उसी के ऑर्डर में दिखा रही थी, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमेजोन की जो रिटर्न और रिप्लेसमेंट की पॉलिसी है वो बहुत अच्छी है, सो आप इसको आराम से कभी भी रिप्लेस कर सकते हो। और मुझे रिप्लेसमेंट के लिए जब वो ऑर्डर आएगा तो मैं इसको रिटर्न करूंगी और वो वाला प्रोडक्ट मुझे मिल जाएगा। तो इसी तरीके से आपको तुरंत रिप्लेस हो जाता है। लास्ट टाइम जिस मैंने आपको बताया था, मैंने जो फैशन हॉल किया था जिसमें मैंने आपके साथ कुर्तीज शेयर की थी, उसमें जो मैंने बताया था कि मुझे 4XL एंड XL साइज की कुर्तीज आ गई थी, तो मैंने उसको रिप्लेसमेंट में डाला एंड मुझे उसकी जगह पे कुर्तीज मिल गई एंड वो ऑन द स्पॉट ही रिप्लेसमेंट के लिए लेने के लिए चले गए। तो इस तरीके से आपका अमेजोन पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, रिप्लेसमेंट रिटर्न बहुत ईजी है। तो इसीलिए मुझे अमेजोन से खरीदी करना, अमेजोन से शॉपिंग करना बहुत इजी एंड ऑन द गो रहता है, बिकॉज बहुत सिंपल हो जाता है, आपकी चीजें बहुत सॉर्ट आउट हो जाती है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ज्वेलरी की तरफ से, जो है सुखी ब्रांड से। ये सुखी ब्रांड की ज्वेलरी, जावेरी पर्ल्स की ज्वेलरी फिलहाल बहुत ट्रेंड में है एंड ये बहुत अच्छे भी आते हैं। एक्चुअली झुमके की जो क्वालिटी है वो अच्छी है, बट जस्ट ब्रोकन पीस मुझे मिला है, तो दैट्स नॉट एन इशू, वो रिप्लेस हो जाएगा। उसके बाद ये जो नेक्स्ट है, ये मुझे बैंगल्स, मैंने गोल्डन बैंगल्स मंगाई हैं जो लक्ष्मी कॉइन्स में आती हैं। तो ये 4 बैंगल्स का सेट है। तो ये जो 4 बैंगल्स का सेट है ये बहुत सुंदर मुझे लगा एंड ये जो है ना बहुत ही ज्यादा बहुत ज्यादा भी नहीं बोलूंगी, लेकिन बहुत ऐसे थोड़े से हैवी है, बट लुक में बहुत सुंदर है। आप देख सकते हैं इसका जो लुक है ये बहुत सुंदर है, कॉइन्स से बने हुए हैं ये। इसमें भी एक प्रॉब्लम आ गया है कि इसमें एक साइज मुझे छोटा आ गया है, तो ये भी मेरे हाथ में नहीं जा रहा है एंड मेरा हाथ थोड़ा सा है कड़क, तो मेरे हाथ में जनरली नहीं जा रहा है, और अगर मैं घुसाऊंगी बिना तो फिर बाद में निकलने के लिए प्रॉब्लम होगा। तो ये आई थिंक कुछ 2.4, 2.6 आ गया है एंड मुझे लगता है 2.8, तो इसको मैं रिप्लेस कराने का सोच रही हूँ। अगर रिप्लेस हो जाता है तो हो गया, अदरवाइज मैं ये गिफ्ट कर दूंगी। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे, लेकिन इसकी जो फिनिशिंग है वो देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर लगी मुझे, बहुत अमेजिंग लगी एंड 4 का सेट है तो आप आगे पीछे करके पहन सकते हो, बहुत अच्छी लगी मुझे ये भी। तो ये था हमारा सेकंड प्रोडक्ट, सेकंड ज्वेलरी का प्रोडक्ट। सो नेक्स्ट जो ज्वेलरी है वो अगेन है सुखी ब्रांड से एंड यहाँ पे जो मैंने मंगाया है, ये मंगाया है मैंने एक कड़ा एंड ये कड़ा बहुत ही ज्यादा सुंदर है। मैंने जैसे मतलब पैकिंग में आया था ना, वैसे मैंने फिर से पैक कर दिया बिकॉज ये भी रिप्लेसमेंट में जाने वाला है। यानी आज की जो ऑलमोस्ट मेरी 3-4 चीजें हैं वो रिप्लेसमेंट या रिटर्न में जाने वाली, बिकॉज मैंने जितनी मतलब जितने इससे मैंने अपने लिए कड़े या बैंगल्स मंगाए, तो आई डोंट नो ये क्यों इतने छोटे छोटे आए हैं, मुझे पता नहीं चल रहा है। तो ये इतना छोटा कड़ा आया, कड़ा इतना सुंदर है, अगर आपकी साइज 2.4 है तो आप जरूर ये कड़ा ले सकते हो, क्योंकि 2.4 के अलावा ये अवेलेबल नहीं है। मैंने देखा नहीं था कि ये 2.4 है, बाद में जब मुझे रिटर्न करने की बारी आई तब मैंने इसको देखा कि ये 2.4 में ही था, उसका 2.8 साइज नहीं था, तो फिर बाद में मुझे लगा कि मैंने गलती से मंगा लिया। लेकिन ये कड़ा बहुत सुंदर है, आप देख सकते हैं सिंगल कड़ा है, एक हाथ में वॉच एक हाथ में कड़ा पहन लिया, बहुत अच्छा लगेगा। मैंने अपनी बेटी को भी पहना के देखा, लेकिन ये उसको थोड़ा बड़ा हो रहा है, सो एक्चुअली में है ये बहुत अच्छा, मैं इसको रख लूंगी क्योंकि उसको इन फ्यूचर आ जाएगा काम में, बट इन फ्यूचर भी बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा, तो लेट्स सी। मैं इसको एक्सचेंज करके कोई और बैंगल्स मंगा लूंगी, लेकिन ये बहुत अच्छा लगा मुझे कड़ा, आप देख सकते हैं पूरा पर्ल का काम किया हुआ है इसके ऊपर, पर्ल एंड स्टोन्स का काम किया हुआ है, तो ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत सुंदर है एंड साथ ही में ये जो कड़े की फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी लगी है एंड गोल्डन में है, तो आप इसको किसी भी गोल्डन कुर्तीज के साथ वगैरह इसको पेयर अप कर सकते हो एंड पहन सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगा ये, तो ये भी बहुत अमेजिंग है, इसको भी आप ले सकते हो, इन तीनों ही चीजों को आप ले सकते हो, बस मेरे साथ में प्रॉब्लम हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं कि आपके साथ भी होगा, हो जाएगा सॉर्ट आउट। ये थी हमारी
और ज्वेलरी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जो है जावेरी पर्ल्स से। अगेन जावेरी पर्ल्स से मैंने खरीदे हैं इयररिंग्स। ये भी अभी बहुत सारे लाइक लास्ट आपने मेरे हॉल में देखा होगा कि मैंने एक स्काई ब्लू कलर की कुर्ती पहनी थी, तो उसमें स्काई ब्लू कलर की इयररिंग्स है ना मेरे पास एक्चुअली ट्रेडिशनल में है, लेकिन मतलब वो मैच नहीं हो रहे थे। तो मुझे ये वाले जो इयररिंग्स है ना, ये अमेजोन पे बहुत दिनों से मैंने विशलिस्ट में डाल के रखे थे। सो आई थॉट कि कभी अगर मुझे इन फ्यूचर अगर समझो कभी खरीदने की जरूरत पड़ी, मुझे इसमें मैचिंग का अगर जरूरत पड़ी तो मैं इसको ले लूंगी। तो ये जो है ये इस तरीके की ब्लू कलर की इयररिंग्स हैं, ब्लू एंड गोल्डन में। एंड आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग भी बहुत सुंदर है एंड बहुत अमेजिंग है। एंड ये कान पे बहुत अच्छे लगेंगे, लाइक ब्लू कलर के साथ ये बहुत अच्छे लगेंगे। ब्लू कलर की आपकी ड्रेस होगी, साड़ी होगी, तो बहुत अमेजिंग लगने वाले हैं। तो ये आई थिंक कुछ 300 समथिंग में मुझे मिले हैं, 300 या 250 के अबव ही मुझे मिले हैं। तो ये बहुत अच्छी इयररिंग्स हैं, 250 के अराउंड होंगे आई थिंक सो। तो इसमें जो है वो कुंदन का काम है, पर्ल है एंड ब्लू कलर की मीनाकारी का वर्क है। तो ये बहुत सुंदर लग रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये मुझे बहुत अमेजिंग लगे, आप देख सकते हैं बहुत अमेजिंग जो है ये इयररिंग्स हैं। तो ये भी आप जरूर ले सकते हैं। सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे, तो आप जरूर उनको वहां से बाय कर लीजिएगा। अब चल रहे हैं हमारी लास्ट ज्वेलरी की तरफ, जो है अगेन सुखी ब्रांड से। एंड ये वाला प्रोडक्ट मुझे एक्चुअली में अच्छा लगा, बिकॉज ये मुझे खुश कर गया, बिकॉज इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया, इसमें और इयररिंग्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। तो प्रोडक्ट्स वैसे सारे अच्छे हैं, लेकिन साइज का इशू था इसलिए प्रॉब्लम है, बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो ये जो मैंने कड़े मंगाए हैं, ये कुछ इस तरीके के पीकॉक डिजाइन में मैंने मंगाए हैं विद पर्ल्स। तो आप देख सकते हैं ये कड़े हैं। एंड ये जो है ये कड़े आप कोई भी हो तो ले सकता है, बिकॉज ये एडजस्टेबल है। एडजस्टेबल मतलब ये देख सकते हैं आप, इस तरीके के आपको कड़े मिल रहे हैं, यहाँ पे पीकॉक का डिजाइन है। एंड ये जो कड़े हैं ये इस तरीके से खुलते हैं, तो आपको जस्ट इसको इस तरीके से पहनना है एंड यू कैन हैव दिस। मतलब कि कोई भी पहन सकता है इसको, आपको साइज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कड़े भी मुझे बहुत अच्छे लगे, ये बेस्ट लगे मुझे। ये आपको दो का पेयर मिल जाता है, आई थिंक ये सिंगल भी मिलते हैं। अगर आपको सिंगल चाहिए तो आप सिंगल ले सकते हो, सिंगल आई थिंक तो कुछ 150 या कुछ में था, एंड डबल अगर आप लेते हो तो 184 में वगैरह ऐसा कुछ था, तो इसलिए मैंने दो मंगाए। तो ये देखिए दोनों हाथ में बहुत अच्छे लगेंगे। एंड ये जनरली अगर आपको समझो साड़ी वगैरह पहननी है, कुर्तीज पहननी है, या फिर अगर आपको दो चूड़ीज के अंदर अगर आपको समझो इसके बीच में अगर कुछ बैंगल्स पहननी है, एंड अगर आपने इसको पहन लिया तो अकॉर्डिंगली ये बहुत अच्छी लगेंगी, इसलिए मैंने इसके दो मंगाए हैं। एंड बैंगल का अगर दो का सेट होता है तो अच्छा लगता है, बिकॉज ये हम लोग अलग अलग तरीकों से बैंगल्स का सेट बना के पहन सकते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे। एंड इसका जो डिजाइन है ना ये बहुत अच्छा है, इसके ऊपर पर्ल्स हैं, मोती का काम है, कुंदन का काम है, ये मीनाकारी का काम है, तो बहुत अच्छी लगी ये मुझे ये, एंड अच्छा लगा। तो अभी फेस्टिवल में आप इस तरीके के जो बैंगल्स हैं, इयररिंग्स हैं, इनको पहन सकते हो। एंड ये इसकी क्वालिटी जो है वो भी मुझे अच्छी लगी। तो ये देख सकते हैं आपको दो का पैर है ये, तो ये दो का पैर लेंगे तो ये आई थिंक सही रहेगा, कुछ 184 में मुझे मिला है। तो इस तरीके के है ये इयररिंग्स, सॉरी ये है बैंगल्स, कड़े बोलेंगे इसको, बैंगल्स भी बोलेंगे। तो ये इस तरीके से खुल जाते हैं, तो ईजी हो जाता है पहनने के लिए। तो यस, ये थी आज की मेरी ज्वेलरी जो मुझे बहुत पसंद आई, एंड मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं, बिकॉज अभी है फेस्टिवल सीजन। फेस्टिवल सीजन में आपको बहुत ही ज्यादा अलग अलग स्टाइल करना है, कपड़ों का, इयररिंग्स का, ज्वेलरी मतलब जो भी है, तो इसलिए कुछ ना कुछ हमारे पास कुछ ऐसा नया होना चाहिए। तो सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। इसमें जो फर्स्ट वाले जो ये कुंदन की इयररिंग्स हैं, ये मुझे एक्चुअली में बहुत पसंद आए, बिकॉज इसको मैं अपने एक साड़ी के साथ पहनने का सोच रही हूँ। लेकिन इसका अगर मुझे जब रिप्लेसमेंट आ जाएगा, आई थिंक कल परसों तक मुझे रिप्लेसमेंट इसका आ जाएगा। तो ये जो है ये मुझे बहुत सुंदर लगे, बिकॉज एक साड़ी के साथ मैं इसको पहन के लुक क्रिएट करने का सोच रही हूँ, तो अमेजिंग लगेंगे आपको। आप देख सकते हैं बहुत सुंदर है, लेकिन एक टूटा हुआ है इसलिए इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यस, ये थे हमारा आज के सारे इयररिंग्स का कलेक्शन। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और इस तरह के बहुत सारे लाइक ब्यूटी फैशन लाइफस्टाइल की वीडियो अगर आपको देखना पसंद है तो आप बेल नोटिफिकेशन के ऊपर हिट करके रख दो, जिससे क्या होगा आने वाली वीडियोज की अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। एंड साथ ही में जब भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूं तब आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। और अगर आपको नहीं भी लगा, अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं भी आई, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो मेरा चैनल कभी भी। मैं दोपहर को 2 बजे अपना वीडियो अपलोड करती हूँ, तो आप कभी भी चैनल चेकआउट कर सकते हो, 2 बजे वीडियो अपलोड हो चुकी होती है। तो चलिए मिलते हैं कौन नए वीडियो में, तब तक देखते हैं कौन सा नया वीडियो अभी नेक्स्ट में लेके आती हूँ। तो टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।